पानीपत में चार दिन में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई करते हुए डीटीपी ने गांव उगरा खेड़ी में बनी और चल रही दो बड़ी फैक्ट्रियों पर पीला पंजा चलाकर इन्हें नेस्तानाबूद कर दिया। शेड, छप्पर, दीवारें और गेट एक के बाद एक सभी को गिरा दिया गया। भारी पुलिस फोर्स के बीच मौके पर मौजूद लोगों में गांव उगरा खेड़ी के भी कई लोग मौजूद थे। पहले उगरा खेड़ी के चर्चित व्यक्ति मनोज बाबा के छोटे भाई संजय बाबा की आपत्ति सुनिए। देखो, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ये सरकार है। हम तो फिर भी इनको अब शब्द या बुरा शब्द नहीं बोलना चाहते, इन लोगों को हमारे को समय देना चाहिए था, हमारे कागज चेक करें, जो हम नजायज हैं तो वैसे गिरा दी जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारे साथ नजायज़ हो रही है, जिसको हमने किराए पे दरकिन के समान अंदर गिरे हुए विचारों के बना रखे, इन्होंने इन्हें समय देना चाहिए था, ये हमारे दस्तावेज चेक करें, हम गलत हैं, हमें कोई दुख नहीं। मौके पर मौजूद कुछ लोग दबी जुबान में इसे नाजायज कार्रवाई का नाम दे रहे थे। मौके पर मौजूद डीटीपी की दलील, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, प्रॉपर नोटिस दिया हुआ है और ये कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है अविंद्र मान के खिलाफ, जिनको भी प्रॉपर नोटिस पहले दिए गए 2018 में दिए हुए हैं। नोटिस तो फ्रेश नोटिस नहीं जरूरत थी क्या? नहीं, फ्रेश नहीं होता, तभी होता नहीं है, एज पर प्रोविजन हमारा जब निर्माण होता है तभी तभी हम नोटिस दे देते हैं, इसको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं। इतने साल इंतजार करते रहे आप, अभी कार्रवाई चल रही है। इस डेमोलिशन में चारों ओर चर्चा यही थी कि मनोज बाबा की फैक्ट्रियां गिरा दी, वैसे ये किराए पर दी हुई थी। चार साल से चला रहा हूँ। क्या बेस्ट का तो आपको नोटिस दिया गया? कुछ नहीं दिया गया था जी, नोटिस होता था हम पहले ही खाली कर कहीं और किराए पे बैठ जाता, हमारा तो नाश ही हो गया। मालिक कौन है इस फैक्ट्री जिसे आपने ली थी? ये तो विकास जी से मैं लिया था। भारी पुलिस फोर्स के बीच करीब 2.5 घंटे में ही दो जेसीबी ने दोनों फैक्ट्रियों को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि पिछले चार दिन से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध तौर पर बने ढाबे, फार्म हाउस, मकान और फैक्ट्रियां गिराई जा रही हैं। यानी जमीन किसी की, कब्जा किसी का और पर्दे के पीछे कोई और, इसी मकसद से ये अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा में लगातार चार दिन से ये डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पानीपत का उगरा खेड़ी गांव है जहां दो फैक्ट्रियों को पूरी तरह से नेस्तानाबूद किया गया। देखिए, इस पे बुलडोजर चला दिया गया है, एक फैक्ट्री में सामान पड़े, सामान को निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार के पास इस तरह के कुछ इनपुट्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो कानून की नजर में नैतिकता नहीं बरत रहे, मतलब कानून के खिलाफ जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उनकी पहचान करके उनकी, चाहे फॉर्म हाउस है, फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, होटल है, उनको लगातार गिराया जा रहा है और आज लगातार चौथा दिन है। तो पानीपत में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है पिछले चार दिन में। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव उगरा खेड़ी, पानीपत।